हाय गाइस, स्वागत है फिर से एक और वीडियो के साथ में। और आज आपके लिए मैं फिर से एक और एडिटिंग वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो यार अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी तो यार काफ़ी ज़्यादा बंदों की उस पर कमेंट आई थी कि भाई हमें इसी कलर ग्रेडिंग पर ट्यूटोरियल चाहिए, तो आपके लिए मैं ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते। तो सबसे पहले हम काइनमास्टर में आ जाएंगे और काइनमास्टर में आने के बाद हमको यहाँ से मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर जाने के बाद हमको अपनी वो वीडियो ऐड कर लेनी है जिसको हमें कलर ग्रेडिंग करनी है। तो इस वीडियो में हमको कलर ग्रेडिंग करनी है तो इसको यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। इसमें स्लो मोशन वगैरह सब मैंने ऑलरेडी एडिट कर रखा है। यार आपने इसका ट्यूटोरियल नहीं देखा स्लो मोशन वगैरह तो यार जाकर चैनल को एक बार विजिट कर लेना, आपको सारे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। तो अभी तो हम अपनी कलर ग्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्काई ग्लो इफेक्ट ऐड करेंगे, तो इसके लिए अपनी क्लिप पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से हम जाएंगे एडजस्टमेंट पर और फिर यहाँ पर जाने के बाद क्या करेंगे, इसके कॉन्ट्रास्ट पहले तो इसकी ब्राइटनेस को यहाँ से हम कर लेंगे -30। फिर नोट कर लेना जो मैं कर रहा हूँ, नहीं तो आप भूल जाओगे। फिर इसके कॉन्ट्रास्ट को फुल कर देंगे, फिर यहाँ से इसकी हाईलाइट्स को भी फुल कर देंगे और शेडोज़ को -100 कर लेंगे। देन लिफ्ट को फुल कर देंगे। देन इतना करने के बाद यहाँ से इसको बैक कर लेंगे और फिर यहाँ से इसके जाएंगे हम फिल्टर पर। यहाँ से एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको फिल्टर वाला, ये वाला, इस पर क्लिक करना। देन जो फर्स्ट नंबर पर बेसिक उस पर क्लिक करना। देन यहाँ से बिल्कुल लास्ट में जाना है रेड वाले इफेक्ट पे। देन इस पर करने के बाद कुछ इस तरह से हमारा जो रेड इफेक्ट है वो ऐड हो चुका है। तो अब हमको क्या करना, बैक आ जाना है। तो कुछ इस तरह से हमारा रेड इफेक्ट है वो ऐड हो चुका है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ से लेयर पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से हमको जाना है एपेक्स पर। एपेक्स पर जाने के बाद यहाँ से बेसिक इफेक्ट पे जाना, देन गॉसन ब्लर पर क्लिक करना है, इसको अप्लाई कर लेना है। देन इसको यहाँ से नीचे पॉइंट पर क्लिक करके कुछ इस तरह से इसका साइज इंक्रीज कर लेना है और इसको अपने पूरी क्लिप पर लगा लेना है। और फिर यहाँ से हमको अपनी क्लिप पर क्लिक करना, देन सेटिंग पर। फिर इसकी ब्लर स्ट्रेंथ को यहाँ से हमको रखना है 10 रख लेना। देन इतना करने के बाद यहाँ से हमको क्या करना है, इसको अपनी पूरी वीडियो पर इसको अप्लाई कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से इसको स्ट्रेच करके अपनी पूरी वीडियो पर अप्लाई कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हमने इसको यहाँ से अप्लाई कर लिया। देन इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। तो यहाँ से हमको अपनी वीडियो जो उसको सेव कर लेना पहले। तो सेव करने के बाद क्या करना है, यहाँ से इसको हमको कट कर लेना है। हमारी वीडियो सेव हो चुकी है तो इसको कट कर लेंगे। देन ये दोनों को यहाँ से हम डिलीट कर लेंगे और इस क्लिप को भी डिलीट कर देंगे। देन यहाँ से हम अगेन मीडिया पर जाएंगे और अपनी उसी क्लिप को ऐड कर लेंगे जिसमें हमको कलर ग्रेडिंग करनी है। तो काइनमास्टर पर जाने के बाद हम इसको अपनी जो वीडियो उसको यहाँ से ऐड कर लेंगे ये वाली, और फिर इसमें हमको अब कलर ग्रेडिंग करनी है। तो सबसे पहले इसमें स्काई ग्लो इफेक्ट ऐड करने के हमको लेयर पर क्लिक करना है, फिर मीडिया पर, और अभी हमने जो वीडियो एडिट की थी ना रेड वाली, इसको ऐड कर लेंगे। इसको ऐड करने के बाद आपको एक यहाँ से ऑप्शन ढूंढना है, ये स्प्लिट स्क्रीन वाला, इस पर क्लिक करके इसको जो सेकेंड वाला ऑप्शन है उसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से हमको बैक करना है और यहाँ से हमको नीचे आ जाना है, इसके ब्लेंडिंग मोड को ढूंढना है। तो यहाँ से हमको आ जाना है इसके ब्लेंडिंग मोड पर, इसको कर लेना है यहाँ से स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा जो ग्लोइंग इफेक्ट है वो ऐड हो चुका है। तो अब हमको क्या करना है, इसमें कलर ग्रेडिंग करनी है। तो क्लिप पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से हम जाएंगे इसकी एडजस्टमेंट पर और फिर यहाँ से हमको जाना है इसके कॉन्ट्रास्ट पर। तो कॉन्ट्रास्ट को यहाँ से हम फुल 100 कर लेंगे और सैचुरेशन को भी यहाँ से कर देंगे हम फुल 100। देन अब यहाँ से हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद हम जाएंगे इसके लिफ्ट पर। तो लिफ्ट को यहाँ से हम 5 रख लेंगे, 4 या 5 अपने अकॉर्डिंग रख लेना कुछ भी। और फिर इतना करने के बाद इसके ह्यू पर जाएंगे, तो ह्यू को यहाँ से हम प्लस 30 रख लेंगे इसको। तो हमको इसको +30 रख लेना कुछ इस तरह से। और इतना करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं हमारी जो वीडियो एडिटिंग है, कलर ग्रेडिंग है, वो रेडी हो चुकी है। तो हमको यहाँ से अपने अकॉर्डिंग अगर स्काई का कलर चेंज करना है तो इसके लिए हमको क्या करना है, अपनी जो क्लिप है ना नीचे वाली रेड वाली, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से पहले हम अपनी क्लिप पर क्लिक कर लेते हैं नीचे वाली पर, और इस पर क्लिक करने के बाद क्या करना है, यहाँ से हमको इसकी एडजस्टमेंट पर जाना है और बिल्कुल नीचे आ जाना है इसके ह्यू पर। ह्यू को अपने अकॉर्डिंग जो भी कलर आप रखना चाहें ना स्काई में वो रख लेना। तो यहाँ से मैं अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर रख लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ये वाला कलर रख लेता हूँ, यहाँ से थोड़ा थोड़ा ब्लू कलर है कुछ इस तरह से। तो यहाँ से कुछ इतना कलर है। देन इतना करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं हमारी जो वीडियो एडिटिंग है ना, जो कलर ग्रेडिंग, वो भी कम्प्लीटली हो चुकी है। तो यार ये वीडियो आपको कैसी लगी यार कॉमेंट बता देना। वीडियो पसंद नहीं होती यार एक बार वीडियो को लाइक कर लेना और जो भाई चैनल पर नहीं आता सब्सक्राइब भी कर देना यार। सो यार थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।